to applaud a 60-year-old legacy which is being revived. Ladies and gentlemen, Bombay Talkies, which was established in 1934, is proud to launch the Bombay Talkies Music Company. Today is a very major, red letter day in the annals of Bollywood. I am delighted that with us we have Mr. Bappi Lahiri, who has not only been an old friend and traveler through my journey in the film industry, he's been making great music even before some of you were born. I would request first for Azad ji, Bappi da, our COO, Dr. Mohan Dubey, Manoj Dubey, to light the traditional lamp so that we can get on. Aye, sir. आजा सर, यहाँ देखिए। अरे यहाँ देखिए, पिता यहाँ देखिए, एक सर लुक यहाँ दीजिए, एक सर लुक यहाँ दीजिए, क्रॉस में ही वीर सर, थोड़ा क्रॉस में यहाँ पे। आज का दिन भारतीय सिनेमा जगत के इतिहास का दिन है। आज भारतीय फिल्म जगत की बुनियाद बॉम्बे टॉकीज घराना फिल्म जगत में एक बार फिर से वापसी कर रहा है। हमारे इस घराने के गिरीश घनश्याम दुबे जी को मैं ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देता हूं कि उनके नेतृत्व में यह कार्य सफल हुआ। हिमांशु राय, राजनारायण दुबे जी, देविका रानी का एक सपना था कि एक म्यूजिक कंपनी भी बनाई जाए बॉम्बे टॉकीज की, लेकिन वह उनके समय नहीं पूरी हो पाई। आज कई दशक के बाद हमारे कंपनी के कर्ता धर्ता माननीय गिरीश घनश्याम दुबे जी ने इस म्यूजिक कंपनी की लॉन्चिंग का कार्यक्रम आज यहां रखा है। इस कार्यक्रम में हमारे बीच में हमारे मुख्य अतिथि हिंदी फिल्म जगत के सुप्रसिद्ध संगीतकार माननीय बप्पी लहरी साहब, विवेक साहब, जयशंकर जी, सभी का मैं अभिवादन और वंदन करता हूं। सबसे पहले मैं बॉम्बे टॉकीज के सर्वे सर्वा हम सब के मार्गदर्शक माननीय गिरीश घनश्याम दुबे जी का अभिनंदन करते हुए उन्हें बधाई देना चाहूंगा कि उनके मार्गदर्शन में बॉम्बे टॉकीज फिर से एक बार इस फिल्म इंडस्ट्रीज में वापसी कर रही है। मैं दो लाइन माननीय गिरीश घनश्याम दुबे जी के लिए कहना चाहूंगा। निगाहों में मंजिल थी, गिरे और गिरकल समरते रहे, हवाओं ने बहुत कोशिश की मगर चिराग आंधियों में जलते रहे। ऐसे हैं हमारे गिरीश घनश्याम दुबे जी। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, जितने भी आए हैं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। आप सबका मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ बॉम्बे टॉकीज की तरफ से और श्री गिरीश घनश्याम दुबे जी की तरफ से। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि बॉम्बे टॉकीज एक बहुत ही महान प्रोडक्शन हाउस रहा है और इस प्रोडक्शन कंपनी ने बहुत लेजेंडरी सिंगर्स, एक्टर्स, म्यूजिक डायरेक्टर्स, लिरिसिस्ट बहुत बड़े बड़े इस इंडस्ट्री को दिए हैं बॉम्बे टॉकीज ने। तो बॉम्बे टॉकीज के जो फाउंडर थे श्री राजनारायण दुबे जी, श्री हिमांशु राय, श्री सुश्री देविका रानी जी,
इन लोगों ने एक सपना देखा था म्यूजिक कंपनी का, जो कि पूरा नहीं हो सका म्यूजिक कंपनी का। हालांकि जो आज की बहुत बड़ी म्यूजिक कंपनी है HMV, 1930s के दौर में उस कंपनी को भारत में लाने का श्रेय भी बॉम्बे टॉकीज को ही जाता है। जी तालियां होनी चाहिए। 30s की बात, 1934 में सारे गामा जो आज है HMV, उसको भारत में लेके आने का श्रेय भी बॉम्बे टॉकीज को जाता है। और वो सपना जो है श्री राजनारायण दुबे जी का देखा हुआ सपना, उनके ग्रैंड सन, उनके पोते ने, श्री गिरीश घनश्याम दुबे जी ने उस सपने को साकार किया, बॉम्बे टॉकीज घराना नाम से म्यूजिक कंपनी लॉन्च करके। मैं चाहूंगा जोरदार तालियां बजाएं। धन्यवाद देना चाहता हूं जी, ये ऐसा एक दिन है बॉम्बे टॉकीज। मैं 48 इयर्स आई एम वर्किंग इन बॉलीवुड फिल्म, आई मिस बॉम्बे टॉकीज। सब बैनर में काम किया, एक भी ABCD आप कोई भी बैनर बोलिए, बट मैं आज इतना आई एम सो प्राउड, टुडे आई एम ओपनिंग द बॉम्बे टॉकीज, जो मेरा सपना था जिसमें मैंने ये पिक्चर में राष्ट्रपुत्र में संगीत दिया है। और थैंक यू आजाद, थैंक यू वेरी मच, यू हैव डन अ वंडरफुल थिंग। जो हिस्ट्री है, जो सब नाम लिखा हुआ है, हिमांशु राय जी, दुबे साहब और देविका जी, मैं क्या बोलूँ, ये लोग सब हिस्ट्री है। ये इस पर लीजेंड तो हम लोग सबको ही बोलते हैं, ये लोग लीजेंड नहीं है, ये सब क्या बोलो, भारतीय सिनेमा का एक एक इतिहास है, इतिहास ही है, इतिहास से हम लोग संगीत कर रहे हैं, एक्टिंग कर रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं। एनीवे थैंक्स टू आजाद जी। वाओ, प्लीज क्लैप। सबसे पहले हम लोग ले लो ना, ये हमारा इतने सालों का सपना आज सच हुआ है। और आप देख सकते हैं इसमें गणेश चालीसा और हनुमान चालीसा है, सबके काम आने वाला। प्रथमं च वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्पिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं च विघ्नराजनं धूमवर्णं तथाश्मं नवमं च भालचन्द्रं दशमं च विनायकं एकादशं गणपतिं द्वादशं च गजाननम्। अब हम यहाँ बॉम्बे टॉकीज की संस्थापना देखा था, म्यूजिक कंपनी की स्थापना, कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन जो फिल्म राजपुत्र लेके हम लोग आ रहे हैं, जो विश्व की पहली बार 26 भाषाओं में बनी फिल्म है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है संस्कृत, देव भाषा संस्कृत में राष्ट्रपुत्र, आने वाले 23 तारीख को चंद्रशेखर आज़ाद, महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म दिवस है। उस अवसर पर उनके व्यक्तित्व कृतित्व को विश्व के कोने कोने पहुंचाने के लिए हमने जो फिल्म बनाई है राष्ट्रपुत्र, उसका मोशन पोस्टर लॉन्च करेंगे और रिलीज डेट की घोषणा करेंगे। इस वक्त यही कहना ठीक है कि जिनको निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, जिनको निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, वह नर नहीं है पक्ष निरा और मृतक समान है। राष्ट्रवाद की भावना, सनातन भारत के गौरव की जो विचार है, विश्व के कोने कोने पहुंचाने के प्रयास में हम लोग लगे हैं, जिसकी पहली परिणति है राष्ट्रपुत्र।
और महत्वपूर्ण है कि आज का दिन बॉम्बे टॉकीज के लिए ऐतिहासिक दिन है, उसके लिए कहूँगा कितने सालों बाद पुनर्वापसी बॉम्बे टॉकीज ने की है, तो उसकी ये यात्रा अनंत काल तक निर्बाध रूप से चलती रहे ये मेरी कामना है। धन्यवाद। मिशन थोड़ा सा पीछे आ जाए। I bought all the banners of Hollywood, Bombay Talkies. इतिहास इसको रिवाइव किया है। और मंसूरा बर्बाद मेरे लिए रेमांत्र मुंडी की चलना वेरी गुड सेफ्टी में हिम्मत मैं सब आज बापू लहरी जो भी कुछ है महाराष्ट्र का धरती का आशीर्वाद है। अरे मेरा भूमि की गांव भाई का जो आशीर्वाद है जय सिद्धि विनायक और उनको सब मैं ही कहूँगा। ये नाम जो है बॉम्बे का, बॉम्बे मेरे लिए बहुत अच्छी है। बम्बई से आया मेरा दोस्त फिर से इतना साल बाद आया रहमान था मुंडी पिछले बापू रहमान पीछे करने को किसकी लाइट लुक कर रही है आरंभ करो। अरे बॉम्बे मुंबई से आया मेरा दोस्त।